रिटायर्ड फौजी ने की गरीब मजदूर की मदद। खबर जिला अस्पताल से आ रही है। यहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने एक गरीब बीमार व्यक्ति की मदद के लिए आगे आया। मिली जानकारी के अनुसार जयहिंद एंटरप्राइजेस पर जितेंद्र रजक निवासी शांति नगर काम करता है। कल जब जितेंद्र के पड़ोसी विनोद कुशवाहा, पिता फिरन कुशवाहा, उम्र 45 साल, जिसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं है, जिसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इसके का एक तबीयत बिगड़ गई, तो जितेंद्र ने देखा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उसने जयहिंद एंटरप्राइजेस के संचालक रिटायर्ड फौजी विशाल जोशी को उसकी जानकारी दी। वैसे ही विशाल जोशी गरीब बीमार व्यक्ति के घर पहुंचकर राशन पानी की व्यवस्था कराई और बीमार को तुरंत ही जिला चिकित्सालय लेकर आए। आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टरों ने मरीज के दोनों फेफड़े खराब होना बताया। मरीज को जिला चिकित्सालय से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गरीब बीमार शुरू से ही मजदूरी का काम करता है, जिसके कारण उसको इतनी खतरनाक बीमारी हुई है। बताना होगा कि विशाल जोशी विद्या मंदिर सेवा अर्थ संस्था चलाते हैं, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में भी है। जया, ये पापा हैं तुम्हारे? हाँ। क्या नाम है इनका? विनोद। कहाँ रहते हैं? शांति नगर। क्या हो गया इनको? चक्कर आते हैं और खांसी उठती है। चक्कर आते हैं और खांसी उठती है? तो फिर रात को क्या हुआ था इनके साथ? रात को खांसी उठ रही थी और सांस नहीं ले पा रहे थे। तो फिर भर्ती किसने कराया हॉस्पिटल में? भर्ती तो सुनील भैया और वो अंकल जी ने कराया था। आपके परिवार में कोई है नहीं है? कितने भाई बहन हो आप? चार हो। इन मरीज का नाम विनोद कुशवाहा है जी। मेरा नाम विशाल जोशी है। मुझे सूचना मेरे मतलब दुकान पे मेरे एक साथी है जितेंद्र रजक, उनके द्वारा मिली कि परिवार बहुत ज़्यादा एक मतलब ये सदस्य बहुत ज़्यादा परिवार के बीमार और परेशान है। तो इनका पिछले 5-6 महीने से हम ख्याल रख रहे थे। मेरे साथ मेरी एक संस्था है जो मेरे स्कूल के दोस्तों द्वारा संचालित है, विद्या मंदिर शिवपुरी जी। हम लोगों ने इनकी राशन पानी से मदद करी। अभी मुझे पता पड़ा कि इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो फिर मैं जब इनके घर गया तो मुझे देखने में आया कि ये तो गर्दन पटक सीख चुके थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, कई दिनों से खा नहीं रहे थे। इसको जिला चिकित्सालय में लाए और गुप्ता साहब ने, डॉक्टर पीसी गुप्ता जी ने इनका इलाज किया। कोशिश अच्छी करी, लेकिन चूंकि अटेंडर इनकी केवल एक बच्ची रहती थी, हम आते जाते देखते थे, तो ये थोड़े बेचैन भी रहते थे। मालूम पड़ा कि इनके फेफड़े, इलाज में सामने आया कि फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब इनका एक परसेंटेज थोड़ा सा काम करता हुआ एक फेफड़ा बचा। अब इनको जिला अपना मेडिकल कॉलेज के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, वहाँ ले जा रहे हैं। लगे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे, जिसमें से 3 बच्चियाँ हैं। सबसे बड़ी बच्ची आई थिंक 10 साल की होगी, 10 या 11 साल की होगी, और इनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है।